हाँ तो बच्चों, हम लोगों को इनवर्स फाइंड आउट करना है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो काइंडली इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि अपन इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहां पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं, ओके। यहां पर सबसे पहले जो मैं सॉल्व करूंगा, जो इनवर्स निकालूंगा, वो यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि डिटरमिनेंट के केस में हम लोग स्टेप एक स्टेप खत्म होने के बाद अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगाना शुरू किया तो हर एक जगह रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करेंगे। हर एक जगह क्या अप्लाई करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके बच्चों। केवल क्या अप्लाई करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों देखो कैसे लिखेंगे अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें तो, रो ऑपरेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा ऑपरेशन लगाने वाले हैं? रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों आप लोग को मैं बताया था, क्या बताया था कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू आई इन टू ए। तो मैट्रिक्स ये क्या चीज है बच्चों, लिखिए 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लिखेंगे थ्री ऑर्डर का। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का लिखना होगा? जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स गिवेन है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, यहां पर कुछ नहीं लिखना है, ये सबसे पहला काम। अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं हम तो क्या लिखेंगे? ए इंटू आई। उसके बाद में क्या बोला था बच्चों कि इस मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे और डायगोनल एलिमेंट्स को वन, और जो ऑपरेशन लगाएंगे ऐसा करने के लिए वही ऑपरेशन यहां पर लगेगा। तो मैं लास्ट लेक्चर में कुछ तरीके बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले अगर रो ऑपरेशन लगाते हो तो सबसे पहले इस एलिमेंट को वन बनाओ, मतलब डायगोनल के फर्स्ट एलिमेंट को वन बना लो। तो इसको वन कैसे बनाए? ये तो जीरो है, तो ऐसा करते हैं बच्चों कि ये वन बन जाएगा अगर ये सेकेंड रो को, ये सेकेंड रो को रिप्लेस कर दें फर्स्ट रो से। क्या बोला? ये बन जाएगा अगर ये सेकेंड रो को उठा के ऊपर ले जाए तो यहां वन बन जाएगा। जैसे वन बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, अगर यहां कोई दूसरा नंबर रहता ना जीरो के जगह, जैसे 5 रहता तो रो 1 को 5 से डिवाइड कर देते तो ये 1 बन जाता। जैसे यहां 5 रहता तो अगर जैसे इसको 1 बनाना है, 2 को, इस 2 को 1 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन भाई ये 0 है, 0 को डिवाइड करके थोड़ी 1 बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप क्या करो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर, रो को इंटरचेंज कर दो। तो यहां पर रो 1 को इंटरचेंज कर देते हैं रो 2 से। रो वन को क्या करें? इंटरचेंज कर देते हैं रो टू से, ओके। क्या करें? रो वन को इंटरचेंज कर दें रो टू से। अच्छा, ये चीज जो यहां लिख रहे हैं इसको साइड में भी लिख सकते हैं। जैसे यहां लिखो, या तो क्या करो आप, क्या कर लो, दिस इंप्लाई दैट जो रो टू है उसको रो वन में लिखो, रो टू को रो वन में। तो मैं क्या बता रहा हूं, सुनो, बात सुनो, पहले बॉक्स इस तरह से, ये जो सेकेंड रो था इसको फर्स्ट रो में लिखा। तो ये इधर भी, इस मैट्रिक्स में भी जो ऑपरेशन यहां लगा रहे हो वही ऑपरेशन यहां लगेगा, जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के लिए लगाओगे वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के लिए लगेगा। तो सेकेंड रो कहां चला जाएगा? फर्स्ट रो में, ओके। और जो फर्स्ट रो है वो कहां आएगा? सेकेंड रो में आ गया। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग जो ऑपरेशन लगाए वो क्या लगाए?
रो वन इज इंटरचेंज विद रो टू, यहां भी लिख सकते हो और इसको यहां भी लिख सकते हो। मैं यहां लिखता हूं क्योंकि ये मैं पहले लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर आप लिखोगे तो बाद में लिखोगे क्या कर रहे हो। अब बच्चों देखो ये वन बन गया, उसके बाद क्या बताया था कि अगर ये फर्स्ट एलिमेंट डायगोनल का वन बन गया तो इस वन के हेल्प से इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। अगर रो ऑपरेशन में बताया था, रो ऑपरेशन अगर लगता है तो ऊपर नीचे होता है, मतलब प्लस माइनस जो होता है वो ऊपर नीचे होता है ऐसे, और कॉलम ऑपरेशन में लेफ्ट राइट ऐसा चीज बताया था। रो ऑपरेशन अप डाउन, कॉलम ऑपरेशन लेफ्ट राइट, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो जैसे ये डायगोनल एलिमेंट वन बन गया तो अपन रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो अप डाउन होगा, मतलब नीचे वाले एलिमेंट जीरो होंगे इसके हेल्प से, वन के हेल्प से। तो एक चीज बताओ बच्चों कि ये तो एलिमेंट जीरो ही है, इसको जीरो बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। कौन किसको जीरो बनाना है? थ्री को, इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। जैसे मैं यहां पर इसको सर्कल कर दिया कि इसको अपने को, मेरा एम है इसको जीरो बना लेना। तो सबसे पहली बात बताओ, आप सोचो कैसे कि ये जो थ्री एलिमेंट है वो कौन सा रो में है? तो बात आएगी थर्ड रो में, और इस एलिमेंट को जीरो बनाना है मतलब थर्ड रो चेंज होगा। अगर इस थ्री को जीरो बनाना है मतलब थर्ड रो चेंज होगा, तो थर्ड रो को चेंज करना है, और इस तरह से इसको थर्ड रो को चेंज करना है। थर्ड रो को चेंज करना है मतलब आर थ्री को चेंज करना है, तो इस तरह से इस थर्ड रो को चेंज करना है कि ये जो थ्री है वो जीरो बन जाए। तो कैसे बनेगा बच्चों? आर थ्री किसके हेल्प से जीरो बनाना है? इस थ्री को किसके हेल्प से जीरो बनाना है? इस वन के हेल्प से। तो बच्चों बताओ ये थ्री है, अगर इसको भी मैं थ्री बना दूं और माइनस कर दूं तो क्या जीरो नहीं बनेगा? अगर ये थ्री है और ये वन है तो इसको भी थ्री बना दूं, इसको भी थ्री बना दूं, कैसे बनाएंगे? वन को थ्री कैसे बनाएंगे? वन को थ्री कैसे बनाएंगे? अरे भाई थ्री से गुना करके बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो ये आर थ्री है मतलब थ्री में से माइनस करेंगे थ्री इंटू वन को, थ्री इंटू वन को, थ्री इंटू वन, तभी ये थ्री बनेगा। तो ये वन कहां है? फर्स्ट रो में, तो थ्री इंटू आर वन। अब आप एक चीज सोचो कि जो आप चेंज करने वाले हो, ये मैट्रिक्स में लिख लेता हूं बॉक्स इस तरह से, आप भी बना लिया करना। जो चेंजेस होने वाला है वो किसमें होगा? केवल आर थ्री में, बाकी रो क्या होगा? एज इट इज रहेगा। जो चेंज होगा वो केवल रो थ्री में होगा, बाकी रो एज इट इज रहेगा। तो रो थ्री में चेंज होगा तो ऐसा करते हैं, रो टू और रो वन और रो टू को लिख लेते हैं। रो वन रो टू को लिखा, लिख लिया। अब रो थ्री चेंज होगा, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बहुत आसान है बच्चों, देखो कैसे। ये तो जीरो बनना ही है, लिखित तो डालो जीरो, इसको मैं केवल चेंज कर रहा हूं, ये चेंज हो रहा है, केवल जीरो बना दिया। अब एक चीज सुनो, आर थ्री का वैल्यू रखना और आर वन का, आर थ्री का वैल्यू रखना और आर वन का, और लिखना कहां है? इस रो थ्री में। तो आर थ्री का वैल्यू कहां से उठेगा? रो थ्री से। जैसे यहां लिखना है, यहां लिखना है, तो यहां का एलिमेंट रो थ्री वाला, यहां ए वन, आर थ्री की जगह वन रखा जाएगा, और आर वन की जगह जस्ट इसके ऊपर रो वन में कौन है? टू। रो वन में कौन है? टू। तो आर वन के, आर थ्री की जगह वन माइनस थ्री इंटू टू, कितना? सिक्स। वन माइनस सिक्स इज इक्वल टू बच्चों माइनस फाइव। फिर यहां भरना है आपको, यहां भरना है किसके हेल्प से? इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो आर थ्री कहां? रो थ्री के एलिमेंट, और आर वन कहां? रो वन के एलिमेंट, दिख रहा है? तो बच्चों वन माइनस थ्री इंटू आर वन थ्री है, तो वन माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन, वन माइनस नाइन इज माइनस एट। फिर बच्चों इधर भी भरना है, तो देखो आर थ्री का वैल्यू जीरो और आर वन का वैल्यू जीरो, तो जीरो माइनस जीरो, आर थ्री का वैल्यू जीरो, आर वन का वैल्यू देखो आर थ्री रो वन थ्री से और आर वन रो वन से, तो जीरो माइनस थ्री इंटू वन, तो माइनस थ्री। फिर देखो बच्चों आर थ्री का वैल्यू वन, आर वन का वैल्यू जीरो, तो वन माइनस जीरो इज वन। इस तरह से बन गया। सेकेंड स्टेप्स में अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को वन बनाना है। तो बच्चों ये तो वन है ही, देखो पहले बोला था कि इसको वन बनाओ,
रो ऑपरेशन में इसको वन बनाएंगे, इसके हेल्प से ऊपर नीचे वाला एलिमेंट जीरो। फिर सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को वन बनाएंगे, इसके हेल्प से ऊपर नीचे एलिमेंट जीरो। फिर थर्ड डायगोनल एलिमेंट को वन बनाएंगे, इसके ऊपर नीचे जो एलिमेंट रहेगा उसको जीरो बनाएंगे उसी के हेल्प से। तो अगर मान लो ये ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम कोई अपने आप जीरो बन गया एक्स्ट्रा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ डायगोनल एलिमेंट देखो अपने आप वन बन गया है, तो बढ़िया है ना, ये डायगोनल एलिमेंट पहले से वन है। तो अब इसके हेल्प से हम किसको किसको जीरो बना देंगे, इस वन के हेल्प से हम इसको और इसको जीरो बना देंगे। तो ये जो एलिमेंट टू है वो कौन सा रो में है, एलिमेंट टू जो है बच्चों वो सेकेंड रो फर्स्ट रो में है। तो फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगेगा और क्या लगेगा, आर वन माइनस, कैसे लगेगा माइनस देखो, इसको इसके हेल्प से जीरो बनाना। तो ये तो टू है, तो ये जो वन है इसको टू बनाना पड़ेगा। तो ये टू कैसे बनेगा, टू से गुना करेंगे। तो देखो आर वन माइनस टू इंटू आर टू, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो रो टू में है, तो टू इंटू आर टू। ये आर वन के लिए फॉर्मूला लिखा गया, इसी तरह आर थ्री के लिए देखो, माइनस फाइव को जीरो बनाना है, ये कौन सा रूम है, थर्ड रूम है, तो आर थ्री, आर थ्री देखो बच्चों ये माइनस है और ये क्या है प्लस है। तो माइनस और प्लस को अगर जीरो करना है तो क्या होगा, बीच में प्लस लिखेंगे, क्योंकि अब दोनों को जोड़ेंगे तभी ना, लेकिन जोड़ेंगे कब, जब ये जीरो बन जाए तभी ना। तो बताओ ये वन है, अगर इसको मैं फाइव बना दूं और दोनों को जोड़ दूं तो जीरो हो जाएगा, अगर मैं इसको फाइव बना दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो जीरो बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये रो टू को फाइव से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो फाइव इंटू आर टू। एक्चुअली ना इस तरह से आपका एक फॉर्मूला निकल जाता है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको रो को चेंज करना पड़ता है। तो यहां पर एक माइनस था और एक ये प्लस था और ये माइनस था, तो दोनों को ऐड करना पड़ा। अगर दोनों प्लस रहा और दोनों माइनस रहा तो सब्सट्रैक्ट करते हैं तभी जीरो बनता है। तो चलो बच्चों फिर से बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, पहले आप इसी तरह बॉक्स बना लिया करो। अब ऊपर से हिंट मिल रहा है कि रो वन चेंज होगा, रो वन में फॉर्मूला लग रहा है चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखो, रो वन माइनस टू इंटू रो टू, मतलब रो वन में से माइनस कर दो रो टू को, लेकिन दो से गुना करके। रो वन में से रो टू को माइनस करो लेकिन रो टू को दो से गुना करके। चलो तो वन रो वन हुआ, अच्छा रो टू जीरो है ना, जीरो को दो से गुना करेगा जीरो रहेगा, तो वन माइनस जीरो वन। ये तो बच्चों जीरो बनेगा ही, क्योंकि आप इसको जीरो बनाना बनाने के लिए ही फॉर्मूला लिखा है, इसी से फॉर्मूला लिखा है, तो कंफर्म जीरो बनेगा बच्चों। थ्री माइनस टू इंटू आर टू, थ्री माइनस टू इंटू आर टू, मतलब आर टू का वैल्यू टू है देखो, आर वन थ्री आर टू टू, आर वन थ्री आर टू टू, तो थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर इज माइनस वन। फिर देखो बच्चों पहले रो वन को भर लेते हैं, आर वन जीरो आर टू टू, और यही चीज आपको यहां बैठा देना है, जीरो माइनस टू, माइनस टू कैसे हुआ आप समझ रहे हो, आर टू की जगह वन रखो, आर वन की जगह जीरो, आर वन वन आर टू जीरो, तो वन माइनस जीरो वन, दोनों जीरो है जीरो आएगा। देखो बच्चों ऑपरेशन केवल रो वन और रो थ्री में लग रहा है, ठीक है, तो रो टू एज इट इज रहेगा, तो जीरो वन टू, रो टू को एकदम डायरेक्ट उसी तरह भर दो, क्योंकि ऑपरेशन रो वन और रो थ्री में लग रहा है। फिर रो थ्री चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, अगर ये रो टू और रो थ्री दोनों एड होंगे प्लस होगा, लेकिन रो टू को पांच से मल्टीप्लाई करते जाना, फाइव से मल्टीप्लाई करके जोड़ो, तो रो टू को फाइव से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो रो थ्री के साथ, तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा। फाइव फाइव इंटू वन फाइव, प्लस माइनस फाइव जीरो, फाइव टू जा टेन माइनस एट, जोड़ना है ना, तो टेन माइनस एट कितना टू। आगे देखो रो टू को पांच से गुना कर रहे हैं, पांच प्लस जीरो फाइव, रो टू को फाइव से जीरो इंटू फाइव जीरो, प्लस माइनस थ्री तो माइनस थ्री, रो टू को फाइव से गुना करें तो फाइव इंटू जीरो जीरो, आर थ्री का वैल्यू वन, तो जीरो प्लस वन इज वन। अब क्या करना है, इस डायगोनल एलिमेंट इसको अब वन बना लेना है। तो ये वन कैसे बनेगा,
बहुत ही आसान तरीका है। वन आपको कैसे बनाना है, अगर कोई नंबर है तो डिवाइड करके ही वन बनाना है। तो ये रो थ्री को हम क्या करें, रो थ्री बाय टू कर देते हैं, मतलब रो थ्री को टू से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों केवल रो थ्री को चेंज कर रहे हैं, तो रो फर्स्ट और रो सेकेंड एज इट इज रहेगा, रो फर्स्ट और रो सेकेंड एज इट इज रहेगा। तो रो फर्स्ट पहले लिख लीजिए, फिर रो सेकेंड लिखिए, ठीक है लिख लिया। रो थर्ड को लिखना है लेकिन टू से डिवाइड करके, तो जीरो बाय टू जीरो, जीरो बाय टू जीरो, टू बाय टू वन, फाइव बाय टू, माइनस थ्री बाय टू और वन बाय टू। अब बच्चों ये वन बन गया आपका, ये डायगोनल एलिमेंट वन बन गया, इसके हेल्प से हम इसको और इसको जीरो बना लेंगे। तो जो माइनस वन है बच्चों वो कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगेगा, क्या लगेगा देखो, क्या करते हैं सबसे पहले दोनों का मैग्नीट्यूड इसके हेल्प से बनाना ना इसको जीरो, तो दोनों को बराबर करो पहले मैग्नीट्यूड नंबर में बराबर करो। तो ये वन है ये भी वन है, सोचो नंबर में, तो ये लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अच्छा ये टू को जीरो बनाना है, तो ये टू कौन सा रो में, सेकेंड रो में, तो आर टू, आर टू। अच्छा बच्चों ये टू है, इसके ये टू है, इसके हेल्प से, इसके वन के हेल्प से इस टू को जीरो बनाना है, तो इस वन को टू करना पड़ेगा पहले, और दोनों प्लस में तो माइनस होगा, तो रो थ्री को किससे, रो थ्री को मल्टीप्लाई कर दो किससे, टू से, सॉरी यहां पर आर थ्री लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको इसको जोड़ेंगे फर्स्ट प्लस थर्ड को, तो रो वन चेंज हो जाएगा, रो टू चेंज कैसे होगा, सेकेंड में थर्ड को माइनस करेंगे लेकिन थर्ड को टू से मल्टीप्लाई करते हुए, ओके। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो रो वन को चेंज करो कैसे, रो वन और रो थर्ड करके, रो वन और रो थर्ड को जोड़ करके लिख दो रो वन में, तो वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस जीरो वन, माइनस वन प्लस वन जीरो, इधर भी माइनस टू प्लस फाइव बाई टू, देखो माइनस टू आर वन प्लस आर थ्री, माइनस टू प्लस फाइव बाई टू, कितना आएगा बच्चों देखो, माइनस वन प्लस वन बाई टू आ रहा है, जोड़ो आप। अच्छा इसको इसको जोड़ो, वन माइनस थ्री बाई टू, तो ये माइनस वन बाई टू आएगा, जीरो प्लस वन बाई टू, वन बाई टू आएगा। सेकेंड रो में ऑपरेशन लग रहा है, रो टू माइनस टू इंटू रो थ्री, मतलब रो टू में से रो थ्री को दो से गुणा करना है और रो टू में से माइनस कर देना है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, यहां भी जीरो, इसको दो से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आर थ्री का वैल्यू जीरो है देखो आप, और आर टू का वैल्यू वन, तो वन माइनस जीरो जीरो, देखो आर टू का वैल्यू टू, यहां टू रखेंगे, और आर वन का वैल्यू वन, तो टू माइनस टू इंटू वन, टू माइनस टू जीरो, सॉरी यहां तो वन रहेगा है ना, वन माइनस जीरो, देखो वन आर टू का वैल्यू वन और आर थ्री का जीरो, तो वन माइनस जीरो वन, चलो ये भी हो गया। अच्छा देखो बच्चों वन माइनस आर थ्री की जगह फाइव बाई टू है, तो यहां जब आर थ्री की जगह फाइव बाई टू रखोगे ना, तो टू टू कट जाएगा, कटेगा टू टू, तो ये बन जाएगा फाइव, तो वन माइनस फाइव इज माइनस फोर, देखो आर टू का वैल्यू जीरो, आर थ्री का माइनस थ्री बाई टू, तो ये माइनस थ्री बाई टू है आर थ्री का वैल्यू, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस थ्री बन रहा है, और आर टू जीरो है तो प्लस थ्री। देखो बच्चों आर टू का वैल्यू जीरो और यहां पर आर थ्री का वैल्यू वन बाई टू, टू टू कटेगा, तो जीरो माइनस वन इज माइनस वन, आर थ्री को आपको चेंज नहीं करना है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक चीज देखो यहां पर, ये जो आया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और ये जो है एक कोई नया मैट्रिक्स बना, क्योंकि यहां पर ये है और यहां जो मैट्रिक्स आएगा वो इसी का इनवर्स होगा, क्योंकि यहां क्या आ चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, तो ये इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया। आगे जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, तो यहां जो बनता है ये मैट्रिक्स ए का इनवर्स होता है, तो बच्चों यहां से ए इनवर्स आया आपके पास, जो आंसर वन बाई टू माइनस वन बाई टू, वन बाई टू
माइनस फोर थ्री माइनस वन फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू वन बाय टू। अच्छा बच्चों एक चीज मैं बताता हूं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब बाकी क्वेश्चन थ्री बाय थ्री ऑर्डर के इनवर्स के लिए हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जो आपको प्रीवियस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट बताया है ना, उसको आप बार बार देखो और इसको बार बार देखो कि कैसे अप्लाई करते हैं। हो सकता है आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो, इसलिए आंसर नहीं आ आपका, है ना, तो ये अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकेंड चीज जो है, कॉलम ऑपरेशन भी लगाने के लिए आपको सिखाया कि इस तरह से जीरो बनाना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर भी प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर एक दो क्वेश्चन और करके आप बताओ इसका। अगर आपका कोई कमेंट्स आता है तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं ये समझ लूंगा कि हाँ आप लोग सीख चुके हैं। और ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन क्वेश्चन सिक्स मार्क्स का, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड के लिए ये 100% आता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि नहीं देगा, तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको सॉल्व करने का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ये तो मैं आपको समझा रहा था एक एक चीज बहुत बढ़िया से धीरे धीरे, इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो इसको मैं 5 मिनट्स में कंप्लीट कर देता हूं। और अगर जो मैं तरीके बताया हूं प्रीवियस लेक्चर में कि आपको इस वे में सॉल्व करना है, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो देखो मेरा कहीं भी गड़बड़ नहीं हुआ, मतलब जो जीरो बना लिया था नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो चेंज नहीं हुआ, वो जीरो ही रहा। अगर आप कोई दूसरे तरीके से इधर उधर से करते हो, जैसे तैसे लगा देते हो रो ऑपरेशन या तो कॉलम ऑपरेशन, तो जो आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो फॉर्म किए हैं वो हो सकता है फिर से चेंज हो जाए, कोई नंबर आ जाए। इसलिए एक सीक्वेंस को फॉलो करो, और वो सीक्वेंस क्या था कि पहले ये वन, देखो वन वन वन, पहले कौन, यहां से चलो ऐसे ये जीरो बना है ना, फिर इसको और इसको जीरो बनाओगे, यहां जीरो बनेगा, देखो मतलब इस तरह से चलना है, ऐसे ऐसे चलो जीरो बनाते हुए, फिर ऐसे जीरो बनाते हुए जाओ, फिर ऐसे आ जाओ, बहुत ही आसान तरीका है ना, इस तरह से मतलब यहां वन रहेगा, ठीक है, इस वन के हेल्प से ये और ये जीरो बनेगा, इस वन के हेल्प से ये और ये जीरो बनेगा, फिर इस वन के हेल्प से यहां जो वन है इसके हेल्प से ये और ये जीरो बनेगा, यही तो है। अगर कॉलम ऑपरेशन होता तो यहां वन रहता, तो अब कॉलम ऑपरेशन में क्या चलते, ऐसे चलते फिर ऐसे आते फिर ऐसे, यहां वन होता यहां जीरो बन जाता इस वन के हेल्प से, यहां वन होता इसके हेल्प से ये और ये जीरो बनता, यहां फिर कहां वन होता यहां और इसके हेल्प से ये और ये जीरो बनता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायगोनल एलिमेंट्स को वन बनाओ इसके हेल्प से, इसको इसको जीरो बनाओ कॉलम ऑपरेशन में, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को वन बनाओ इसके हेल्प से, इसको इसको जीरो बनाओ, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को वन बनाओ उसके हेल्प से बाकी इन दोनों को जीरो बनाओ। यानी अगर ऐसे ऐसे काम हो रहा है तो कॉलम ऑपरेशन है, अप टू डाउन रो ऑपरेशन है बच्चों, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा और आप इसको बार बार देखिए। ओके अब बात आती है सर, कभी कभी जानते हो इधर इतना सॉल्व करते हुए ना कि ये मिस्टेक हो ही जाता है, कहीं पर अगर थोड़ा सा भी गलती किया तो ये आंसर चेंज हो सकता है। अगर मान लो आपने यही गलती कर दिया, यहां ये तो लिखा ठीक, लेकिन कैलकुलेशन में अगर गलती कर दिया तो आपके आगे का स्टेप जितना भी है वो सब बेकार हो जाएगा, टीचर यहां से आगे पूरा कैंसिल कर देगा और एक मार्क्स दे देगा। चलो मान लो नहीं देखा उतना कैलकुलेशन करके, कोई एग्जामिनर नहीं देखते हैं कि कहां से गलत हुआ, वो डायरेक्ट आंसर देखता है। अगर मान लो आंसर आपका सपोज दैट ये वाला नंबर गलत आ गया और एक नंबर ये गलत आ गया, मान लीजिए आप आंसर चेक कर लोगे ना, कैसे चेक करोगे जानते हो ना, ये इनवर्स और ये को मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये इंटू ये इनवर्स क्या होता, आई होता, आप आंसर चेक करने के लिए ऐसा काम करने वाले हो। और जब आप ऐसा काम करोगे तो अगर आपका ये दोनों नंबर मान लो दो एलिमेंट्स गलत है तो कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा, और उस टाइम आपका जो ये सिक्स मार्क्स है ये सिक्स मार्क्स नहीं दिया जाएगा, थ्री मार्क्स दिया जाएगा। मैं क्यों बोला थ्री मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों दो एलिमेंट गलत हुआ है इसका मतलब
दो स्टेप्स आपका कहीं गलत हुआ होगा, दो जगह गलत हो गया होगा, और जहां गलत हुआ होगा मान लो यहीं गलत हो गया कि इसके आगे, तो मैथमेटिक्स में पूरा गलत हो जाता है। देखो मैथमेटिक्स में बच्चे क्या सोचते हैं ना, पूरा तो करके आए हैं, लेकिन एक बात है ना, स्टेप मार्किंग होता है, अगर आपका दूसरा ही स्टेप गलत है तो भाई आगे का जितना भी स्टेप्स होगा वो तो गलत ही होगा। इसलिए बच्चों मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि एक मिनट के अंदर आप डायरेक्ट कैसे इनवर्स निकाल लोगे और आंसर को क्रॉस चेक कैसे कर लोगे, मतलब एक टेक्निक मैं सिखाऊंगा कि डायरेक्ट इनवर्स निकाल लो और आंसर को क्रॉस चेक कर लो। आप डायरेक्ट से आप इनवर्स निकाल लोगे, निकालोगे इनवर्स डायरेक्ट, और जब डायरेक्ट इनवर्स आप निकालोगे तो आप इससे मिला लोगे, आप देखोगे सब मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो आप कुछ नहीं करना, जो लास्ट स्टेप है ना उसमें चेंज कर देना, इसी में यहीं पर चेंज कर देना। जैसे यहां मान लो 3/2 आना था तो यहां लिख दो 3/2, यहां मान लो जो आपका क्रॉस चेक किया आंसर जो सही निकाला वहां, यहां पर 5 है, यहां माइनस 4 है, तो यहां 5 लिख दो, आंसर सही लिखो। अगर लास्ट में आप आंसर सही लिख देते हो तो कोई भी टीचर आपका इतना बड़ा ऑपरेशन देखने वाला नहीं है, इतना स्टेप्स आपको चेक करने वाला नहीं है बच्चों, क्योंकि सभी लोग जो ये ऑपरेशन लगाता है वो इस क्वेश्चन को करता है, रो ऑपरेशन तो लगाता है लेकिन वो अलग अलग तरीके से लगाता है। बुक में अलग अलग बुक में देखोगे तो पता चलेगा, रो ऑपरेशन तो लगाया है लेकिन हो सकता है इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया, अलग पैटर्न को फॉलो किया हो। ये पैटर्न सबसे इजी क्यों है, क्योंकि इसमें एक तो 6 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड चीज जो जीरो बना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो फिर से नॉन जीरो नहीं होता है, वो एकदम एक सीक्वेंस में चलता है। तो मैं एक 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा या 7-8 मिनट का, किस लिए कि इनवर्स 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का विद इन 1 मिनट निकालने के लिए आपको सिखाऊंगा, ठीक है? ओके माय बच्चों, चलिए घर पे रहिए और मेरे साथ पढ़ाई करिए। थैंक यू।